फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ये ओट्स पॉरेज, जो कि बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड है आपके बेबी के लिए। इसे आप अपने बेबी को लंच या फिर डिनर में सर्व कर सकती हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स लाइफ व्लॉग्स। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल ओट्स। ओट्स को मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पर, जिसके लिए चढ़ाया है मैंने एक पैन। पैन जब अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून घी। घी की जगह पर आप ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, मैंने घी का यूज़ किया है। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे हमारे ओट्स और ओट्स को अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से ओट्स को कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा। और आपको हमेशा फ्लेम को जो है लो टू मीडियम रखना है, फ्लेम को हाई ना करें, उससे भी आपके ओट्स जो हैं वो जल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रोसेस करने के पीछे रीज़न ये है कि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा और हम इसे पाउडर फॉर्म में काफ़ी दिनों तक अच्छे से स्टोर करके रख सकती हैं और यूज़ कर सकती हैं। तो लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा ओट्स जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रहने दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ग्राइंड करेंगे। जब तक ओट्स ठंडा होता है तब तक मैंने आधा गाजर जो है ग्रेट करके रख लिया है और कुछ पनीर जो है उसको क्रश करके रख लिया है। इसे मैं आगे अभी रेसिपी में यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारे जो ओट्स हैं वो भी ठंडे हो चुके हैं, इसे मैंने ग्राइंडिंग जार में शिफ्ट कर दिया है। अब मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। देखिए कितना अच्छा फाइन पाउडर बनके तैयार हुआ है। ये सारा जो पाउडर है वो मैं यूज़ नहीं करूँगी, इसे मैं स्टोर करके रखूँगी और कुछ क्वांटिटी में यूज़ करूँगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। अब तो इसे बनाने के लिए मैंने चढ़ाया एक पैन और उसमें ऐड किया है मैंने एक बाउल वाटर और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ओट्स पाउडर जो मैंने अभी प्रिपेयर किया है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ कि मैंने अभी तक गैस ऑन नहीं किया है। जब तक मैं ओट्स के पाउडर को वाटर में अच्छे से मिक्स ना कर लूँ तब तक मैं गैस ऑन नहीं करूँगी। ऐसा करने के पीछे रीज़न ये है कि लम्प्स नहीं पड़ेंगे, इसीलिए आप भी अच्छे से पहले मिक्स कर लें ओट्स के पाउडर को पानी में, उसके बाद गैस ऑन करें। अच्छे से मिलाने के बाद मैंने गैस ऑन कर दिया। अब मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लूँगी। आपको ध्यान रखना है कि आपको फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको अच्छे से इस तरीके से चलाते हुए इसे पकाना है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसे चेंज हो रही है। इसे पकाने में आपको लगभग 7 से 8 मिनट लगेंगे, बट आपको फ्लेम को लो ही रखना है, ना ही आपको मीडियम करना है ना ही हाई करना है। तो मेरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है इस पॉइंट पे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मेरे ग्रेट किए हुए गाजर और इसे मैं अच्छे से मिक्स करके लगभग 30 सेकेंड या ऐसे लेके 1 मिनट तक पका लूँगी। फ्रेंड्स, गाजर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसीलिए 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएँ, इतना काफ़ी होता है। फ्रेंड्स, गाजर के अंदर बहुत ही अच्छे अमाउंट में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब ये पक गया है, अब इसमें मैं अपने ग्रेट किए हुए पनीर ऐड कर दूंगी और इसे भी मैं 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लूंगी। आपको कंटिन्यूसली इसी तरीके से स्टेयर करते रहना है, आप बिल्कुल भी चलाना ना छोड़ें क्योंकि ये जल सकता है, नीचे से पकड़ लेता है। तो आपको 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड करूँगी टेस्ट के लिए थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा नमक। फ्रेंड्स, अगर आपका बेबी 1 ईयर से छोटा है तो आप नमक को अवॉइड करें, अगर आपका बेबी 1+ ईयर है तो फिर आप नमक को ऐड कर सकती हैं। अब दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हमें इसे थोड़ी देर और पका लेना है, 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए। हमारा ओट्स पॉरेज काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे आप ठंडा करके अपने बेबी को सर्व करें और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके बेबी ने इसे एंजॉय किया या नहीं। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।